तो शाम से चेयरपर्सन और जिला पार्षद अनीता मलिक ने बीजेपी छोड़ दी है हरियाणा में, और तोसाम और भिवानी में खास करके ये बड़ी खबर है। बीजेपी से उनके पति कई वर्षों से जुड़े थे और उनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद उन्होंने राजनीतिक कमान संभाली थी और बीजेपी की चेयरपर्सन वो भिवानी से बनी थी जिला पार्षद का चुनाव जीत करके। फिलहाल उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई, उसके दौरान उसमें ऐलान कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि वो किस पार्टी की तरफ जाएंगी। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं का और अगर उनकी बात करें तो इशारा कांग्रेस की तरफ था, हालांकि अभी तक उन्होंने स्पष्ट तौर पे स्पष्ट नहीं किया, ना ही कोई ऐसा वक्तव्य दिया है। फिलहाल थोड़ी सी तकलीफ आपको आवाज़ में होगी, अब इंटरव्यू जो सुनेंगे उसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, आप सुने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा, फिलहाल तोसाम पहुंचे हैं। तोसाम सुर्खियों में लोकसभा इलेक्शन से लेकर के इस जब प्रकरण पूरा चला, किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी, पार्टी बदल दी, उसके बाद से बड़ा सुर्खियों में। तो आज अनीता मलिक सुर्खियों में आई है दोबारा से। एक दिन पहले हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, बहुत सारे ऐसे मीडिया पर्सन थे जिनके साथ बैठकर इन्होंने इंटरव्यू किए थे और तब लग रहा था कि बगावत होगी, पार्टी छोड़ सकती है, पर आज वो संकेत दे दिया है। सामने कुर्सियां खाली हैं, लोग पकौड़े खा रहे हैं और बातें चल रही हैं कि किस पार्टी में जाएंगे, मंत्री बनेंगे, क्या कुछ करेंगे, चर्चाएं लोगों में, बुजुर्गों में हैं। फिलहाल क्या कहेंगे, आज पार्टी छोड़ के कॉन्फिडेंस चेहरे पे ज्यादा लग रहा है? देखो जी, ये अपने का जो अपनापन है ये उसी का रीजन है जो मेरे चेहरे से। कितने साल पुरानी पार्टी छोड़ दी, क्या वजह है? देखो जी, जो ये राजनेता है ना, अपना अपने बड़े राजनेता के समझ रहे हैं, ये खुद की मर्जी चला रहे हैं। ये पार्टी इन्हें छोड़ दी, वो इन्हें बेरा, और ये तो समझते कि जो बैठी है ना, तो ये जनमानस ये हमारे लिए सब कुछ है, और इनकी कोई वो नहीं है कि भाई ये जो चाहे वो होगा। जनता ने मन बना लिया था आज से 10 साल पहले राकेश मलिक जी के होते हुए, इसीलिए मैं षड्यंत्र के तहत राकेश मलिक जी को राष्ट्रीय कहता है। अच्छा, आप कौन सी पार्टी का रुख करेंगी, कहाँ आपको लगता है? तो शाम के भविष्य की बात कर रही है, लोगों के भविष्य की बात कर रही है, और खुद राकेश मलिक को भी आपने आय दिलाने की बात कर रही है। देखो जी, पार्टी तो बीजेपी को तो अलविदा कह दी है, लेकिन वो भी फैसला ले रहे। अच्छा, पीछे चर्चाएं चली थी हुड्डा साहब से, आपकी मीटिंग बोली, सोशल मीडिया पे चलाया, हालांकि आपने मना किया था, इनकार किया था, उस तौर पे अब मीटिंग जरूर हो जाएगी। तो ये जो अपने हैं उनकी ये नहीं दे रहे थे, और पार्टी अगर ज्वाइन कराएंगे तो इसी तरह ये मीटिंग बुलाई है। तो शाम हल्के के जो मेरे थे सारे अच्छे थे, इसी तरह खुले दरबार में पार्टी ज्वाइन कराएंगे। आज कह सकते हैं इस मंच से एक नहीं बल्कि दो ऐलान हुए, और दूसरा ऐलान मन में ही है उस चुनाव लड़ने का, MLA का चुनाव लड़ेंगे, आप उतरेंगे मैदान में? देखो जी, अपनी तरफ से पूरी तैयारी है, और तो सामने हर आत्मा की आवाज़ है कि वही इलेक्शन में 2014 का सपना राकेश मलिक का आप मैदान में उतरकर पूरा करेंगे? का मैं सपना पूरा करूँ, राकेश मलिक का ये सपना था कि भाई मैं तो सामने की सेवा और उन्हीं की सोच को मैं पूरा करना चाहूँगी, और तोसा मलिक के आशीर्वाद से ही। दो बड़े राजनेताओं की तरफ इशारा किया, परिवारों की तरफ इशारा किया, आपने मोदी भगत की तरफ इशारा किया, उनसे कैसे पार पा पाए? देखो जी, जनता समझदार है, समझ चुकी है, इन्हें जनता का भला नहीं करना, खुद खुद का भला करना है, और जो सही काम करवाना होगा वो उनके साथ खड़ी है। उनके तो खुद के वोट नहीं है, किसी बोलो बोलो आपसे बोलो। अच्छा, इनके खुद है कि आपने पता होगा कितने के वोट है, वो उसके करवावा है। ये वह जो लोकसभा का इलेक्शन था, चाहे किसी ने कुछ के देखे इन्हें के दोनों ने आपस में मिलजुल के कई घाट काट करी। अच्छा, चेयरपर्सन का कार्यक्रम बड़ी मुश्किलों से मिलता है, कई पार्षदों के ऊपर आपको उसको आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं त्याग रही हैं, आप पावर कमजोर हो जाती है, सरकार से अलग हो गई, सरकार से अलग हो गया, आप विकास कार्य उतना करवा नहीं पा सकते, बड़ा रिस्क जा रही है आप। इसको बात चेयरमैन का पद और पार्षद 15 हमारे साथी भी अपने वो देखे भी के खड़े, और भी कुछ इसी बात थी कि भाई जो पहुँच ना सके, अपने पता है अचानक भी बहुत सारे काम हो गए,
किसी को बात सुनाई है, चेयरमैन ने ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और पूरे जिले के कार्य निभा रहे हैं। आप ये देखो जो भगवान ने और भरोसा वासिया ने मंजूर। आपने कहा है कि राजेश मलिक ने चुनाव का बिगुल बजाया था, चुनाव के लिए ताल ठोकी थी तो उनके साथ ऐसा हुआ, तो आप डर नहीं लग रहा आपको? आप भी आज ताल ठोक रही हैं यहाँ पर। देखो जी कितने दिन रहेगा, दो दिन आगे या दो दिन पीछे, मरना सबने, तो फिर डरना की। तो कह सकते हैं अनीता मलिक के लिए करो या मरो वाली स्थिति है और ये चुनाव लड़ना उनके लिए जरूरी है। बिल्कुल लड़ना जरूरी है और मेरी सोच यही है कि भाई मरा किस मलिक की सोच करूँगी। किरण चौधरी सामने होंगी तो कितना मजा, कितना आनंद आएगा चुनाव उसमें। तो जी मन ने को नहीं, तू शाम हल कर, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सारे ने आनंद आएगा, तू हर एक आत्मा आनंद में हो जाएगी। पिछली बार आपने कहा था कि जमानत जब्त करा देंगे अनीता मलिक मैदान में आती है। 100% नहीं यार, नहीं मैं नहीं, पूरी हल्के की जनता बोल रही है क्या बात, जमानत जब्त। चलिए क्या कहेंगे किशन भाई, क्या माहौल लग रहा है आज, बहुत सारे लोग आ गए। ये एक छोटा सा मैसेज मैंने देखा सोशल मीडिया पर, कल मैसेज पे इतने आए तो शाम का 24-25 साल से ही आशीर्वाद रहा है हमारे परिवार पर, राकेश भाई के बाद में उनका फुल सहयोग मिलता रहा, जब भी जरूरत पड़ी तो ये पूरे हर प्रकार से साथ में खड़े रहे। और याद आपने देख भी लिया, कल मैसेज डाला था और सारे इतने का हमें उम्मीद भी नहीं, सिर्फ एक मीटिंग का बुलाया था, आपने देखा कुर्सियाँ भी दोबारा मंगाई, कितनी बार मंगाई और फिर भी कुर्सियाँ इनके टेंट वाले के पास नहीं। तो ये आगाज है 2024 इलेक्शन, 2024 का आगाज है, आज से ऐलान कर दिया इसमें से आप बिल्कुल जी। यहाँ पे जनता अभी भी मौजूद है, बात की है, सब लोग यही राय रख रहे हैं कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए और इस परिवार को जरूरत है राजनीति में आने की।